बढ़ेंगे, लेकिन खबरों का रुख पहले कर लेते हैं। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक और सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में यह फैसला किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने सोनिया गांधी के नाम के प्रस्ताव को आगे रखा और संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस संसदीय दल के नेता के तौर पर सोनिया गांधी को चुना गया है सर्वसम्मति के साथ। आज दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरह का परिणाम रहा है और आगे जो रणनीति, जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है उसको लेकर, और खासी तौर पर विपक्ष के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी के नाम के प्रस्ताव को आगे जब रखा गया, उसके बाद उन्होंने विचार विमर्श के लिए समय मांगा। हालांकि जब संसदीय दल की बैठक हुई, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, तो उसमें सोनिया गांधी को संसदीय दल के नेता के तौर पर चुना गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव सभी के सामने रखा और सर्वसम्मति के साथ कांग्रेस संसदीय दल के नेता के तौर पर सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ, उन्हें चुन लिया गया है कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में। और ये खास मौका, क्योंकि 99 सीटों के साथ लोकसभा चुनावों में कांग्रेस इस बार आई है और ये 2014 के बाद में होगा जब INDIA के साथ में, और खासतौर पर अगर इंडिविजुअली कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो एक लंबे अरसे के बाद एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सदन में प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिलेगा, विपक्ष के तौर पर मुद्दों को उठाने का मौका भी मिलेगा, सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे और एक स्वच्छ लोकतंत्र की तस्वीर भी सामने आएगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी के नाम के साथ ही संसदीय दल के नेता को अब हम सुनेंगे, क्योंकि संसदीय दल के नेता के तौर पर नाम चुना गया है सोनिया गांधी का। देखिए, निश्चित तौर पर सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा गया कांग्रेस अध्यक्ष के ओर से, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से, और सोनिया गांधी को कांग्रेस के संसदीय दल का नेता चुना गया है। ये कांग्रेस में या ये पक्ष के नेता भी, क्योंकि संसद में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, तो विपक्ष के नेता भी यही, तो निश्चित तौर पर सोनिया गांधी पत्र से एक्टिव राजनीति कर में आना चाहता है। कांग्रेस में या लोकसभा में सोनिया गांधी एक्टिव राजनीति करें, और राहुल गांधी ने अपने आप को एक बार फिर इस पद से पीछे कर लिया, और निश्चित तौर पर सोनिया गांधी ज्यादा अनुभवी है तो कांग्रेस को अनुभव का लाभ मिलेगा। बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि अनुभवों के लाभ के लिए लंबा अरसा भी गुजारा और लंबे अरसे के बाद में अश्विनी वो तस्वीरें होंगी एक स्वच्छ लोकतंत्र की, जब पक्ष भी मजबूत विपक्ष भी मजबूत। निश्चित तौर पर, और कांग्रेस के टिप है कि कांग्रेस को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और वो अपर हाउस में राज्यसभा में पक्ष के नेता है, और सोनिया गांधी खुद लोकसभा में पक्ष के नेता होंगी, तो कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। पिछले 10 साल से लोकसभा में विपक्ष नहीं था, विपक्ष का कोई नेता नहीं था, पिछले उसमें अधीर रंजन चौधरी को संसदीय दल का नेता जरूर चुना गया था कांग्रेस को, लेकिन विपक्ष के नेता का दर्जा उन्हें नहीं मिला था। अब सोनिया गांधी विपक्ष के नेता का दर्जा सोनिया गांधी को मिला है, सोनिया गांधी विपक्षी नेता रहेंगी, तो उधर भाजपा यही कहें मजबूत है, इधर विपक्ष से मजबूत होगा, और 10 साल बाद ये मौका कांग्रेस को मिला है। इससे पहले कांग्रेस खुद 10 साल से सत्ता में थी, खुद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और यूपी से सोनिया गांधी रही है, तो निश्चित तौर पर ये जो अनुभव है सोनिया गांधी का अनुभव, वो लोकसभा में उसका लाभ विपक्ष को मिले। बिल्कुल अश्विनी, वो तस्वीरें बेहद खास होगी जब इस तरह से सदन चलेगा, जब प्रश्न भी होंगे और उत्तर भी मिलेंगे। लेकिन अश्विनी, ये बताइए, क्योंकि सुबह की शुरुआत से ही बैठकों का सिलसिला आज लगातार जारी रहा, परिणाम और स्ट्रैटेजी सीडब्ल्यूसी में भी डिस्कस हुई, इसके बाद में संसदीय दल की बैठक भी हो गई, अब आगे का क्या कार्यक्रम या फिर कोई और बैठक या किसी और तरह की जानकारी अश्विनी? देखिए, कांग्रेस में आज जो नए सांसद चुने गए हैं उन सभी के लिए डिनर का कार्यक्रम रखा गया है, होटल अशोक में डिनर रखा गया है, और सोनिया गांधी की ओर से सबको न्योता भेजा गया है, तो सभी कांग्रेस के सांसद आज अशोक होटल में डिनर में शामिल होंगे, जिसमें कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे, खुद सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के इस डिनर में मौजूद रहेंगे। ठीक है अश्विनी, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के नाम को आगे रखा और उसके बाद
कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में यह फैसला किया गया कि सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता होंगी। लंबे अरसे के बाद और जिस तरह से सहयोगी अश्विनी भी अभी जिक्र कर रहे थे, 2014 के बाद में यह अवसर मिला है। अब इस अवसर को किस तरह से भुनाया जाता है, एलओपी को लेकर भी आप लोगों ने आज सुबह बैठक की थी, उस पर कोई अपडेट है? सर्वसम्मत से सबने एक ही अनुरोध किया है कि श्री राहुल गांधी जो आंख में आंख मिला के बात कर सकें, साहस से निडरता के साथ वो स्वीकार करें। देखिए प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है, लेकिन सोनिया गांधी जो संसदीय दल की नेता है, अब किस तरह से, क्योंकि सरकार के साथ प्रश्न करने से जुड़ा हुआ विपक्ष का एक जो बड़ा ओहदा और बड़ा जो कैरेक्टर होता है उसे यहां पर और भी ज्यादा मजबूती के साथ निभाना, क्योंकि जिन लोगों ने विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस को अच्छा बनाया है ये सभी वोटर्स हैं। वोटर्स के विश्वास को किस तरह से तब्दील किया जाएगा और इस मौके को कैसे भुनाया जाएगा, इसके लिए स्ट्रैटेजीज भी बनाई जा रही है, कोशिश उस दिशा में भी जारी है।